पहले जाने उन पर दोष आरोपण करने से। कई लोग, कई पत्रकार जब कभी बातचीत होती तो बोलते हैं आप कृष्ण की कथा कहती हैं, उन्हीं कृष्ण ने इतना भौतिकवाद फैलाया, 16,108 ब्याह किए, इतने विवाह करने की क्या जरूरत थी उनको। कई विचार किए 16,108 क्यों किए। भगवान की अष्टपटरानियां थी जो 8 प्रकृति के रूप में इस संसार में आई थी, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, मन और बुद्धि। लेकिन 16,100 जो स्त्री थी वो नारियां थी जो एक असुर के द्वारा प्रताड़ित की गई थी, जिसका नाम था भौमासुर। वो उन नारियों को अपहरण कर लेता था और कारागार में डाल देता था। उसका प्रण था, संकल्प था, 1,00,000 हो जाएंगी तब इकट्ठा ब्याह करूंगा। न जाने कौन किसकी बेटी, किसकी बहन, किसकी बहू, सबको छीन लाता था जबरदस्ती। लेकिन ये भगवान के हाथ से मारा गया ना, तो कारागार खोला गया, स्त्री भरी पड़ी थी। सभी स्त्रियों को जब उनके घर परिवार वालों को बुलाया गया ना, तो लोगों ने कुल परंपरा मर्यादा आदि का नाम रख करके उनको त्याग दिया, कहा उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये राक्षसों से स्पर्श की हुई नारियां हैं। अगर हमने अपने घर में इन्हें रखा तो क्या होगा, हमारी लोक मर्यादा चली जाएगी, लोग विवाह नहीं होने देंगे हमारे आगे इन बच्चों का, हमें वर्ण शंकर माना जाएगा। इसलिए हमने तो इसे त्याग दिया उसी दिन जिस दिन इसे राक्षस अपहरण करके ले गया। उन स्त्रियों का क्या दोष था, जब समाज के लोगों से कहा, राजाओं से कहा, सबने उन्हें तिरस्कार कर दिया, कहा ये असुर से स्पर्श की हुई नारी है, हमारे लिए क्या स्त्रियों की कमी है जो आत्महत्या कर लें, आत्महनन कर लें। ये समाज वही है, मां जानकी पराम्बा जो परम पवित्र थी उन्हें, उन पर भी इन्होंने लाछन लगाए, तो हम तो सामान्य नारियां हैं। तो फिर मरने के लिए चल पड़ी, जो मरना नहीं चाहती थी उन्होंने कहा जीना ही तो है, गलत समाज ने समझ लिया, गलत ही बनकर जी लेंगी। तब भगवान ने कहा कोई कहीं मत जाओ, यदि आपकी इच्छा हो तो मेरे साथ विवाह कर सकती हो। और एक मुहूर्त में 16,100 रूप धारण करके प्रभु ने 16,100 के साथ विवाह किए, एक नहीं 16,100 बन करके विवाह किए। क्या गलत किया, आज भी समाज में ऐसी स्त्रियां कितने कृष्ण बनकर तैयार होते हैं, आज भी ऐसी नारियां हैं जो कहीं ना कहीं ऐसी गलत जगहों पर धकेली जाती हैं, लेकिन कौन उनको अपनाता है, कौन सम्मान देता है। लेकिन भगवान ने ऐसी स्त्रियों को सम्मान दिया, चाहते तो दासी बनाकर ले जा सकते थे, लेकिन उन्हें पता था दासी बनकर नौकरानी बनाकर ले गया तो मेरे परिवार वाले कहीं इनका शोषण ना कर दें, धर्म पत्नी बनाकर लेकर गए जिससे कोई इनके ऊपर आंख उठाकर ना देख सके। उन्हीं कृष्ण को आप ऐसी दृष्टि से देखते हैं, पहले कृष्ण को जाने, आज के युवाओं को जानना तो बहुत आवश्यक है। अगर भीष्म पितामह जैसे ब्रह्मचारी जिन्होंने कभी स्त्री को आंख भर करके नहीं देखा था, वो उनका हाथ जोड़कर पूजन ना करते, चरण ना धोते, वंदना ना करते, ये सारे लोग भगवान पर लाछन लगा सकते थे, तुमने रास किया, तुमने चीरहरण किया, लेकिन ये निशब्द होते थे, कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि उन्हें पता था ये सब चीजें नहीं हुई थी। ये वेदांत आदि हमें हमारे मार्गदर्शन के लिए बताए गए हैं। भगवान कृष्ण का जीवन तो बहुत अद्भुत है, कहीं ना कहीं हमें भटकाव की स्थिति है, इसकी वजह से हमारी जैसी बुद्धि है वैसा हम आंकलन करते हैं, ऐसा ही होगा। तो कल आप रास की